हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। मैं CA गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों में से बहुत लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर होंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जो आज एक बिल्कुल नया टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो है GST ऑन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज तो आप जानते होंगे क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज का मतलब वो है, वो सभी लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को। वो दूसरा पर्सन रिसीवर एंड पे कोई भी हो सकता है, एक सिंगल गार्ड भी हो सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति लेता है, एक बड़ी संस्था भी हो सकती है, एक बहुत बड़ा बैंकिंग चैनल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इनका क्या GST में इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो GST में हमारा जो सप्लाई है सिक्योरिटी गार्ड की, उसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन तरीके से गवर्नमेंट कह रही है आप चार्ज कर सकते हैं, तीन ऑप्शन है या तीन रूल्स हैं। पहला ऑप्शन रिवर्स चार्ज, दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज, तीसरा ऑप्शन एग्जेम्प्टेड। अब ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई पहले ऑप्शन की कैटेगरी में आए, हो सकता है कोई दूसरे ऑप्शन की कैटेगरी में आए, हो सकता है कोई तीसरे ऑप्शन की कैटेगरी में आए, और इनका मर्ज भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। 1, 2, 3 तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सारे कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। तो चलिए क्या इनकी गाइडलाइंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जिसको हम बोलते हैं GST एज अ रिवर्स चार्ज। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहे हैं और आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, नोट करिएगा रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड कहाँ, GST में रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तब आपकी सर्विसेज जो है रिवर्स चार्ज कैटेगरी में आएगी, यानी कि आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी का बर्डन रिसीवर पे है, यानी कि जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, और वही जो है पे करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला प्रोसेस की, कि अगर जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तब यहां पे टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। आप उस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में कौन आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक सिंगल यूनिट को आप कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड वाले को कर रहे हैं, या एक मान लीजिए नॉर्मल इंसान को, मान लीजिए मेरा घर है और मुझे 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं GST में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सिंपल सा आपको रूल चेक करना है कि GST में रजिस्टर्ड है कि नहीं है रिसिपेंट, यानी कि जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगली कैटेगरी आती है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपको, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की कैटेगरी में सिक्योरिटी गार्ड वाली सर्विसेज कब आएंगी, जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट Class 1 to 12 को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो स्कूल किसी भी बोर्ड में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए CBSE हो सकता है, ICSE हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड हो सकता है, मान लीजिए MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो अगर आप ऐसे इंसान को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तब आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। इनको रिपोर्ट कैसे करना है, रिवर्स चार्ज को हम लोग GSTR 1 के B2B कॉलम में रिपोर्ट करेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जब उसको आप टिक करेंगे तब वहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप टैक्स की वैल्यू डालोगे लेकिन आपकी लाइबिलिटी 3B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दूसरा है, अगर आप
फॉरवर्ड चार्ज में बिल कर रहे हो तो जो कि अनरजिस्टर्ड होगा, तो बी टू बी बिलिंग होगी नहीं, वो बी टू सी में जाएगा, बी टू सी में उसको रिपोर्ट करना है मंथ वाइज कंसोलिडेटेड फिगर, वहाँ से वो आ जाएगा। तीसरा आ गया एग्जेम्प्टेड वाला, एग्जेम्प्टेड वाला आपको एग्जेम्प्टेड वाले जीएसटीआर के वन के डब्बे में जाके डालना है, और सेम चीज़ थ्री बी में ऑटो इम्पोर्ट होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं जीएसटी ऑन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज को लेके, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेंगे। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।